नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। सुबह सुबह 7 बजे तो स्वागत कर ही दिया, दोबारा से स्वागत करते हैं आप सभी का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस के शो में। और आज है 24th of Jan और बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत ही इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स और एमसीक्यू शामिल किए हैं मैंने इस सेशन में, तो बिल्कुल कहीं मत जाइएगा। सबसे पहले शेयर कीजिएगा और फिर बने रहिएगा इस शो के साथ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का द हिंदू एडिटोरियल एंड वोकैब एनालिसिस में स्वागत है। दिन की शुरुआत आप ही से होगी, एक मोटिवेशनल कोट होगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पे कंप्लीट एनालिसिस, एडिटोरियल्स पे ओवरव्यू, इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आर्टिकल का डिस्कशन के साथ का जो बनता हुआ रूल्स है और टोन ऑफ द पैसेज, वो एमसीक्यू विच विल बी बेस्ड ऑन वोकैब, वो क्विज के फॉर्म में होगा आप लोगों के साथ एंड टूडेज लाइक वोकैबुलरी इटसेल्फ। आप लोगों का काम बस इतना होगा कि इस सेशन को जितना हो सके प्लीज लाइक एंड शेयर करके, और टेक्निकल टीम से अनुरोध रहेगा कि एक बार बैकग्राउंड की ब्राइटनेस को ठीक कर दीजिएगा ताकि विजिबिलिटी और बेहतर हो जाए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और राहुल सैनी जी का जो मोटिवेशनल कोट है वो आज चुना गया है, तो सबसे ज्यादा अगर मैंने कल रात में इसको मैंने मर्ज किया था, तो सब कल रात तक अगर मैं बात करूं, रात के 11 बजे जब मैंने इस शो को तैयार किया था तो लगभग 17 लाइक्स ही थे, है ना, तो अभी शायद हो सकता है बढ़ गए। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का भी हल निकलेगा। जज्बा अगर कायम है तो मुश्किलें आपके कदमों में, समझ लीजिएगा, ठीक है। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा, अंधेरों से मेरे साथ ही इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बहुत ही बेहतरीन ये मोटिवेशन कोट है जो हमें मोटिवेट कर चुका है और अंदर से रगों से हम लोग मोटिवेशन महसूस यहाँ पर कर रहे हैं। आप सभी इंग्लिश हिंदी चाहे जिसी भाषा में आप चाहें तो अपने मोटिवेशन कोट को हमें यहाँ पर भेज सकते हैं। जाते जाते इससे पहले कि सर का एमसीक्यू स्टार्ट हो, हम आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कन्वे करना चाहते हैं। मुश्किल से अब आप लोगों के पास 30 से 45 डेज बचे हुए हैं, सर प्लीज लिख दीजिएगा, 30 से 45 डेज बचे हुए जिसमें आपके सारे एग्जाम्स अब लाइंड अप हो चुके हैं, सबके प्री लाइंड अप है एक्चुअली। फिर चाहे वो आप एसएससी की अगर प्रेपरेशन करें, कोई एस्पिरेंट इधर है एसएससी का, तो आपको बता देते हैं 35 to 45 डेज आपके लिए बचा है, बिकॉज 3rd of March इस कैलेंडर आ चुका है, टेंटेटिव डेट्स वहीं से है, इसका मतलब उसी दौरान एग्जाम होंगी। SBI के जो इतने एस्पिरेंट्स हैं उनको बता देते हैं, अब आपके पास मुश्किल से 40 दिन है, उससे ज्यादा नहीं बचा आपके पास। सो बेसिकली नॉट इवन 40 डेज फॉर पीपल हु विल बी गिविंग देयर प्री, क्योंकि आपके पास तो मुश्किल से 20-25 दिन है। तो आप लोगों को बस इतना कहना चाहते हैं, जो अब से एडिटोरियल पढ़ाया जाए, आज से अभी से आप लोग हर रोज कोई भी एडिटोरियल आंख बंद करके उसके ऊपर उंगली रख दो, ठीक है। वो जरूरी नहीं है वो हमारा एडिटोरियल ऑफ द डे ही हो, या हम आपके लिए कह रहे हैं, अगर स्टूडेंट होते शायद एस्पिरेंट होते तो हम ये करते, उसमें उंगली रखिए और उसके स्टार्टिंग के 40 से 50 लाइन अगर इंग्लिश को मजबूत करना है। देखो जीए का पॉइंट ऑफ व्यू हम इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि जीए सर आप लोगों को एक्सप्लेन कर देते हैं, चाहे वो एमसीक्यू हो या वन लाइनर्स हो, लेकिन इंग्लिश तो ऐसा नहीं होता ना। तो क्या करो, 40 to 50 लाइन्स को आप लोग अब क्या करो, हर रोज पढ़ो, उसमें कौन सा वर्ड किस वर्ड के लिए आया है, कौन सा प्रेपोजिशन कौन सा वर्ड क्यों लग रहा है, उसे पढ़िए। और अगर कुछ ना समझ में आए उसका स्क्रीनशॉट लो और मेरे टेलीग्राम चैनल पे तुरंत आके मुझे भेज दो उसका स्क्रीनशॉट कि मैम ये लाइन हमें नहीं समझ आई, एक्सप्लेन कर दो, आई डू इट देन एंड देयर। तो इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी इतनी मदद हम कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि इतनी मदद ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर शायद कोई नहीं करेगा, तो ये आपको करना ही होगा। अगर सिलेक्शन चाहिए तो ये आपको करना होगा, 30-40 दिन की मेहनत है भैया, कर्ज ले जाओ तुम लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बस जल्दी से सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए आपको अंकित महिंद्रा टाइप करना होगा, टेलीग्राम पर सर्च करना होगा या इस लिंक पर जाना होगा जो इस वीडियो के नीचे दी गई है। सेम प्रोसेस आपको यशी मैम के साथ जुड़ने के लिए भी करनी होगी और यशी मैम आपको वहां पर कंप्लीट जो सपोर्ट है इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको कोई दिक्कत है तो वो वहां पर क्विज के फॉर्म में और डिस्कशन के फॉर्म में कंप्लीटली वहां पर आपको सपोर्ट कर रही हैं, तो बिल्कुल आपका जुड़ना यहां पर बनता है। आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यू की शुरुआत करते हैं। बहुत सारे अच्छे-अच्छे एमसीक्यू मैंने यहां पर फ्रेम किए हैं जिससे आपको काफी सारी चीजें ऑटोमेटिकली यहां पर क्लियर हो जाएंगी। टेक्निकल टीम फुल जूम कर दीजिएगा और मुझे बीच में बिठा दीजिएगा। यहां पर पहला एमसीक्यू आप सभी के सामने आ चुका है और इसको फुल जूम हमने यहां पर कर दिया है। कल हम लोगों ने एक टेलीस्कोप के ऊपर हवाई आइलैंड में, जो दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप बनाया जा रहा है, इंस्टॉल किया जा रहा है, उसको लेकर एक आर्टिकल डिस्कस किया था, तो उम्मीद है आप सभी को आर्टिकल क्लियर रहा होगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, India is a partner in the construction of which telescope has requested that the project be moved out from the proposed site at Mauna Kea in Hawaii Island, USA. कल मैंने डिटेल में बताया था, आपको बस इतना ही बताना है कि भारत भी इस पर्टिकुलर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट का क्या है, हिस्सा है, साझेदार है, भारत भी वहां पर पार्टनर है, जो कि हवाई आइलैंड में Mauna Kea नामक जो ज्वालामुखी पर्वत है, कल डिटेल में बताया था। तो आपको ये बताना है कि इस टेलीस्कोप या इस पर्टिकुलर टेलीस्कोप का नाम क्या है, इस पर्टिकुलर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट का नाम क्या है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, 10 मीटर टेलीस्कोप, 20 मीटर टेलीस्कोप, 30 मीटर टेलीस्कोप या 33 मीटर टेलीस्कोप, इसको शॉर्ट में TMT भी कहा जाता है। ये TMT सरिया
इंडिया वाला नहीं है, ये टीएमटी टेलीस्कोप वाला है। करेक्ट आंसर यहां पर बात कर लेते हैं, तो जितने भी लोग यहां पर सी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, 30 मीटर टेलीस्कोप इसको नाम ये दिया गया है, जिसका एरिया होगा वो उसको कवर करेगा, जो लेंस वगैरह होगा। ओके आगे बढ़ते हैं। इसी टेलीस्कोप के ऊपर एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बैंकिंग एग्जाम्स की बात करते हैं तो फिगर बेस्ड क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, कितना अमाउंट, कितना फिगर, कितना एलोकेशन, कितना बजट, तो अमाउंट जो होता है वो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो भारत ने 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट के लिए, यहां पर कितना कमिटमेंट किया है कि भाई कितने मिलियन यूएस डॉलर का कमिटमेंट भारत की तरफ से दिया गया है, और जो भारत यहां पर कमिटमेंट कर रहा है कि इतना अमाउंट हम भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इतना अमाउंट हम भी इसमें देंगे, तो इसके बारे में मैं आपको यहां पर बता देता हूं। टेक्नोलॉजी साउंड को एडजस्ट कर दीजिएगा क्योंकि मैंने साउंड को यहां पर लगा लिया है। ओके एडजस्ट कर दीजिएगा, इससे वॉइस और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो इसको साउंड को एडजस्ट कर दीजिएगा, देख लीजिएगा कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं है साउंड। ओके अब हम बात यहां पर कर रहे हैं भारत ने इसमें कितना अमाउंट पार्टिसिपेट करने की बात की, तो 200 मिलियन जो यूएस डॉलर है वो यहां पर भारत पार्टिसिपेट करेगा। 200 यहां पर जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं, और ये जो 200 मिलियन यूएस डॉलर है ये टोटल 1/10 कॉस्ट है अगर हम बात करते हैं टोटल प्रोजेक्ट की। आगे क्वेश्चन है, भारत तो इसमें पार्टिसिपेट कर ही रहा है, भारत के अलावा चीन भी पार्टिसिपेट कर रहा है, जापान भी पार्टिसिपेट कर रहा है, और यूएसए यानी अमेरिका भी पार्टिसिपेट कर रहा है इस 30 मीटर टेलीस्कोप को लगाने के लिए। जो जॉइंट वेंचर बना है यानी कि संयुक्त उद्यम जो बना है जिसे हम जेवी कहते हैं जॉइंट वेंचर, तो फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील में से एक और कंट्री कौन है जो इसमें पार्टनरशिप के तौर पर शामिल है? अमेरिका, जापान, चीन, भारत और कनाडा। जी हाँ, कनाडा वो पांचवा कंट्री है जो कि यहां पर क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इन पांचों कंट्री के नाम याद रखिएगा। 30 मीटर टेलीस्कोप यहां पर काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहा है वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा कि इस प्रोजेक्ट को वहां पर मत लगाइए, तो ये प्रोजेक्ट विवादों में है, और कल इस पर हमने आर्टिकल भी डिस्कस किया था। इस पर्टिकुलर टेलीस्कोप की बात करते हैं तो 30 मीटर टेलीस्कोप को करीब 492 के आसपास जो पॉलिश्ड मिरर्स हैं वो चाहिए होंगे, तब जाकर ये टेलीस्कोप वहां पर बनकर तैयार होगा। तो 492 यहां पर पॉलिश्ड मिरर्स की आवश्यकता होगी, लेकिन इन 492 पॉलिश किए गए दर्पणों में से अगर हम बात करते हैं, ठीक है, आयनों की बात करते हैं, तो भारत कुल कितने आयने यहां पर कंट्रीब्यूट करेगा? 492 आयने चाहिए हैं, 492 पॉलिश्ड दर्पण चाहिए हैं, भारत कुल कितने दर्पण यहां पर देगा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में? तो संख्या याद रखिएगा, 83 भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया जाएगा, टोटल पार्टिसिपेशन होगा 492, पांचों के पांचों कंट्री जिस टेलीस्कोप को स्थापित कर रहे हैं वो इसमें पार्टिसिपेशन यहां पर देंगे। कोरोना वायरस को लेकर कल हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप सभी के साथ डिस्कस किया था। कोरोना वायरस के बारे में अभी भी हमारे पास कंप्लीट जानकारी नहीं है कि वायरस किस तरह से फैल रहा है, लेकिन फिर भी चाइना से आने वाले जो लोग हैं वो कोरोना वायरस से ग्रसित हैं, कल कंप्लीट आर्टिकल डिस्कस किया था, उम्मीद है क्लियर रहा होगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, अ न्यू टाइप ऑफ कोरोना वायरस हैज बीन डिटेक्टेड इन विच सिटी ऑफ चाइना, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार चाइना के किस शहर में कोरोना वायरस के एक नए प्रकार का पता चला है, उस शहर कौन सा है जहां से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में धीरे धीरे फैल रहा है? शंघाई, गुआंगझो, होंगजो, इनमें से कोई नहीं। और जिस शहर में यह कोरोना वायरस आपका फैल रहा है ना, उस शहर के लोगों को, करीब 1 करोड़ से भी ऊपर आबादी है उस शहर के लोगों की, उस शहर के लोगों को पूरी दुनिया में जाने से रोक दिया गया है, यानी कि उस शहर के 1 करोड़ लोग बिना सरकार की परमिशन के या बिना किसी मेडिकल चेकअप के दुनिया के दूसरे हिस्सों में ट्रैवलिंग नहीं कर सकते। बात मेरी समझ में आ रही है? ट्रैवलिंग नहीं कर सकते। करेक्ट आंसर क्या होगा? 1, 2, 3 और 4। और मैंने आपको कुछ समय पहले यह भी बताया था कि शंघाई में और बीजिंग में, बीजिंग में, क्या इसका आंसर बीजिंग तो नहीं होगा? अगर जो लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 4, क्या उसका आंसर बीजिंग तो नहीं होगा? जी नहीं, इसका आंसर बीजिंग नहीं होगा, नन ऑफ दीज यहां पर करेक्ट आंसर होगा। और शहर का नाम होगा वुहान। क्या होगा? वुहान। वुहान की करीब 1 करोड़ की आबादी को पूरी दुनिया में जाने से रोक दिया गया है। वुहान शहर के लोग दुनिया में कहीं भी नहीं जा पा रहे हैं। वुहान के कुछ बाजारों से जो वहां पर मीट वगैरह बिकता था, जानवरों का मीट बिकता था, माना जा रहा है कि वहां से जो वायरस है, कोरोना वायरस, वो तेजी से फैला है। तो वुहान करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कोरोना वायरस, निम्नलिखित में से कौन कोरोना वायरस का एक प्रकार नहीं है? वैसे कल ये डिस्कस नहीं हुआ था क्योंकि आर्टिकल में कोरोना वायरस के टाइप्स के बारे में डिस्कशन नहीं था, तो हमने भी नहीं किया था। लेकिन जब मैंने इस आर्टिकल को, मैंने कोरोना वायरस के बारे में और रिसर्च की और थोड़ा सा समझा, तो मुझे पता चला कि कोरोना वायरस के कुछ अलग अलग प्रकार हैं। तो कोरोना वायरस के जो 3 प्रकार हैं, कोरोना वायरस के जो मेनली हैं वो टोटल 4 टाइप हैं, अल्फा कोरोना वायरस, बीटा कोरोना वायरस, गामा कोरोना वायरस, या इनमें से कोई नहीं। 4 प्रकार हैं और 4 में से यहां पर ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है कि कौन इनमें से इसका एक प्रकार नहीं है। अल्टा, बीटा, गामा,
अल्टा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, चार आपकी रेज होती हैं, ये तो आपको पता है, ये तो उन्हीं के नाम पर कोरोना वायरस को यहाँ पर नामकरण दिया गया है, अल्फा कोरोना वायरस, बीटा कोरोना वायरस, गामा कोरोना वायरस। अगर आपने आर्टिकल के अलावा चीजें डिस्कस की हैं तो आपको पता चल जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 गामा कोरोना वायरस। कुछ लोग यहाँ पर फोर आंसर कर रहे हैं ना, फोर आंसर जितने भी लोग कर रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं, तो मैं बता दूं कि कोरोना वायरस, अल्फा कोरोना वायरस के दो प्रकार होते हैं, नंबर में है अल्फा नंबर दिस, अल्फा नंबर दिस, और बीटा कोरोना वायरस के भी दो टाइप हैं, तो बीटा कोरोना वायरस दिस नंबर में है कुछ, तो आपके टोटल चार टाइप हैं, चार में से अल्फा बीटा बस मेन नाम याद रखने हैं, गामा कोरोना वायरस नाम का कोई भी वायरस नहीं है जो इसका टाइप बनता हो। तो यहां तक सारी बातें क्लियर रही हूं, तो एक बार इसलिए कर बता दीजिएगा, एमसीक्यू सेशन पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा अंकित सर के लिए, कि अंकित सर बहुत बढ़िया था, बहुत सारी चीजें यहां पर क्लियर हो गई, बहुत सारी चीजें रिवाइज हो गई, एक लाइक तो बनता है सर आपके लिए, तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट आर्टिकल एनालिसिस से पहले, इंपॉर्टेंट आर्टिकल एनालिसिस से पहले द हिंदू न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल आया है उसकी हेडिंग है कोरोना वायरस से करीब 9156 एयर पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग की गई है। पूरी दुनिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह बताया गया है, पूरी दुनिया की नहीं, ये भारत की बात है, टोटल 43 फ्लाइट्स और 9156 पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग की गई है, कहीं वो कोरोना वायरस से ग्रसित तो नहीं है 21 जनवरी तक। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसके मंत्री कौन है टाइप करके बताइए, उनके द्वारा जो आंकड़े दिए गए हैं इससे बताया गया कि 9000 से भी ज्यादा लोगों की भारत में क्या की गई है, स्क्रीनिंग की गई है, ताकि जो लोग चाइना से आ रहे हैं या चाइना के आसपास के शहरों से आ रहे हैं, चाइना के दूसरे शहरों से आ रहे हैं, कहीं वो कोरोना वायरस से ग्रसित तो नहीं है। अब बात करते हैं 22 तारीख तक की, तो 22 जनवरी तक कोरोना वायरस से लेकर चाइना में करीब करीब 17 लोगों की मौत हो चुकी है और चाइना में करीब 470 के आसपास कंफर्म केसेस पाए गए हैं कोरोना वायरस के। अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका में कंफर्म केस 1 है, थाईलैंड में कंफर्म केस 4 हैं, चाइना में कंफर्म केस 470 हैं, जापान में कंफर्म केस 1, साउथ कोरिया में कंफर्म केस 1 और ताइवान में कंफर्म केस 1 है। इंडिया भगवान की दया से और भगवान की मेहरबानी से भारत में अभी तक किसी भी कोरोना वायरस की बीमारी का पता नहीं चला है, और भगवान करे कि ऐसा हो भी ना कि भारत में कोरोना वायरस के बारे में जानकारी मिले। मोस्टली जो कोरोना वायरस से लोग ग्रसित हुए हैं वो तब हुए हैं जब न्यू ईयर का सेलिब्रेशन हुआ था और लोग वहां पर पार्टियां आयोजित कर रहे थे, उस दौरान कोरोना वायरस काफी तेजी से फैला था, लेकिन इसकी जानकारी देर से मिली है। तो न्यू ईयर के दौरान जो लोग वहां पर हॉलिडे पर गए थे चाइना में, उन लोगों में भी ये कोरोना वायरस देखने को मिला है, और दुनिया के दूसरे हिस्सों में जिन लोगों में इस वायरस के लक्षण मिले हैं वो चाइना में उस समय या तो एंजॉय करने के लिए गए थे, अपना न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए गए थे। टेक्निकल टीम से अनुरोध रहेगा एक बार सेशन को रिफ्रेश कर दीजिएगा, कंप्लीट रिफ्रेश कर दीजिएगा, यहां पर व्यूअर्स अटक से गए हैं, वो मुझे क्लियर यहां पर दिख नहीं रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसरो के लेडी रोबोट की बात करते हैं, इसे ह्यूमनॉइड का नाम दिया गया है, नाम याद रखिएगा ह्यूमनॉइड से नाम दिया गया है, और इसका नाम क्या है जरा मुझे टाइप करके कमेंट बॉक्स में बता तो दीजिएगा यहां पर, कि इसरो ने जो लेडी रोबोट तैयार किया है जिसे ह्यूमनॉइड यानी कि आधा ह्यूमन और आधा रोबोट नाम दिया गया है, इसे वास्तविक नाम इसे क्या दिया गया है, इसका सही नाम क्या है, एक बार मुझे यहां पर जरूर बता दीजिएगा। 1000 के आसपास लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, पसंद आए तो शेयर भी कीजिए, अच्छा लगे इन्फॉर्मेशन तो लाइक भी कीजिए हमारे सेशन को। व्योम मित्रा, जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं व्योम मित्रा, वो बिल्कुल सही है, लेडी रोबोट है, गगनयान मिशन के लिए यहां पर लेडी रोबोट बनाई गई है जिसका नाम है व्योममित्रा, ठीक है। रिसेंटली इसरो की बात करते हैं तो इसरो ने अनवील किया है फर्स्ट वुमन एस्ट्रोनॉट नेम्ड व्योममित्रा। व्योम के बारे में आपको एक पॉइंट याद रखना है कि व्योम जो होता है वो स्काई का ही एक सिनोनिम होता है, स्काई मतलब आकाश, आकाश नभ अंबर, ये सब क्या है पर्यायवाची है, नभ अंबर व्योम आकाश, ये सब क्या है स्काई के पर्यायवाची हैं, आसमान के पर्यायवाची हैं, तो व्योम भी आकाश का ही आपका पर्यायवाची है। व्योम मित्रा आकाश का साथी, नभ का साथी, हु विल राइड टू स्पेस इन फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट ऑफ द ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान। गगनयान मिशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो गगनयान मिशन के पहले फेज में अंतरिक्ष यात्रियों को, इंसानी अंतरिक्ष यात्रियों को, भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने से पहले इस रोबोट को हम लोग अंतरिक्ष में भेजेंगे, और ये रोबोट हर तरह की एक्टिविटीज करने में सक्षम है, और ये हमें ये बताएगा कि जब इंसानों को भारतीय या भारतीयों को या भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को वहां पर भेजा जाएगा तो उन्हें किस तरह की समस्याओं का वहां पर सामना करना पड़ सकता है, यह रोबोट हमें बताएगा और हम उसके हिसाब से यहां पर क्या हो जाएंगे, प्रिपेयर हो जाएंगे। सी इज अ हाफ ह्यूमनॉइड एंड हर बॉडी स्टॉप्स एट द टोर्सो, मानवी धड़ एंड हैज नो लेग्स, यानी कि ये आधा
ह्यूमनाइड है, यानी कि इसका ऊपरी धड़ तो है, कमर तक का धड़ तो है, लेकिन इसके पैरों वाला जो हिस्सा है वो नहीं है। ये बैठ के ही एक से दूसरी जगह मूव कर सकता है। इस रोबोट के लेग्स नहीं है, तो ये आधा इसका मानवीय धड़ है, बस याद रखिएगा, आधा मानव आप इसे समझ सकते हैं। व्योममित्र क्या कर सकता है सर? व्योममित्र कर क्या सकता है? व्योममित्र इज कैपेबल ऑफ स्विचिंग पैनल ऑपरेशन, जो भी पैनल ऑपरेशन होंगे उनके जो ऑपरेशन के दौरान स्विचिंग करनी है, ऑन ऑफ करना है, वो ये कर सकता है। परफॉर्म कर सकता है एनवायरमेंट कंट्रोल, जो भी वातावरण होगा स्पेस में, जब हमारे इंसानी लोग वहां पर पहुंचेंगे तो वातावरण का जो एनवायरमेंट का कंट्रोल होगा या लाइफ सपोर्ट सिस्टम होगा, उसका जो फंक्शंस होगा, उसको ये आसानी से हैंडल कर सकता है। बातें कर सकता है, कन्वर्जेंस कर सकता है विद दी एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्रियों के साथ ये वार्तालाप भी कर सकता है। रिकॉग्नाइजिंग देम एंड सॉल्विंग देयर क्वेरीज, यानी कि उनके जो सवाल जवाब होंगे वो भी आसानी से, तो याद आ गया होगा चिट्टी रोबोट, याद आया ना रजनीकांत की फिल्म में चिट्टी नामक रोबोट था उसी तरह से, लेकिन चिट्टी नामक रोबोट चलता था, ये चलता नहीं है क्योंकि इसका जो नीचे का धड़ है, लेग्स वगैरह है, वो इसके नहीं बनाए गए हैं। आगे बात करते हैं, द ह्यूमनॉइड कैन डिटेक्ट, ये जो ह्यूमनॉइड रोबोट है ये डिटेक्ट कर सकता है, पकड़ सकता है एंड गिव आउट वार्निंग्स, और यहां पर संकेत भी दे सकता है, वार्निंग भी दे सकता है, इफ द एनवायरमेंट चेंजेस विद इन द केबिन। तो अंतरिक्ष में जब भारतीय अंतरिक्ष यात्री वहां पर होंगे और अंतरिक्ष में जीरो ग्रेविटी होती है और एक पर्टिकुलर टेंपरेचर भी चाहिए उस पूरे एनवायरमेंट का जो अंतरिक्ष में रहना है, तो एनवायरमेंट में जो भी चेंज वगैरह करने हैं उसके लिए वार्निंग कि भाई ये चीज गलत हो रही है, ये टेंपरेचर बढ़ रहा है, टेंपरेचर घट रहा है, इन सारी चीजों के बारे में धीरे धीरे आगाह भी करता रहेगा। ठीक है, सी विल सिमुलेट, यानी कि ये बिल्कुल उसके अनुरूप, किसके अनुरूप, ह्यूमन फंक्शंस रिक्वायर्ड फॉर स्पेस बिफोर रियल एस्ट्रोनॉट्स टेक ऑफ बिफोर अगस्त 2022। अगस्त 2022 की हम बात करते हैं तो भारत की आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं, तो जब हम रियल एस्ट्रोनॉट्स को, यानी कि भारतीय इंसानी अंतरिक्ष यात्रियों को, भारतीयों को जब हम अंतरिक्ष में भेजेंगे, उससे पहले हम चाहते हैं कि ये ह्यूमनॉइड जो है, ये जो पर्टिकुलर रोबोट जो है, वो अंतरिक्ष में पहुंचे और जो ह्यूमन फंक्शंस होते हैं वो ये करके दिखाए। इससे क्या होगा कि जब अंतरिक्ष यात्री स्पेस में पहुंचेंगे तो वो बहुत सारी चीजों को पहले से जान चुके होंगे। सी विल बी सेंट इन अ स्पेस कैप्सूल अराउंड द एंड ऑफ द 2020 एंड अर्ली ऑफ 2021, या तो 2021 की शुरुआत में या फिर 2020 यानी कि इसी साल के अंत तक इसे एक स्पेस कैप्सूल के माध्यम से स्पेस में भेजा जाएगा। To study how astronauts respond to living outside Earth in control zero gravity condition, इससे हमें ये आसानी से पता चलेगा, ये वहां पर जो स्टडी करेगा वो स्टडी इस बात की करेगा कि जीरो ग्रेविटी में इंसानी एक्टिविटीज जो होती हैं वो किस तरह से कंट्रोल की जा सकती हैं, इस पर वहां पर एक कामकाज करेगा। द ह्यूमनॉइड हैज बीन डेवलप्ड बाय द, याद रखेगा, इसरो का एक सिस्टम है, उसका नाम याद रखिएगा, इनर्शियल सिस्टम यूनिट, जो कि कहां पर लोकेटेड है, ये आपका तिरुवनंतपुरम में लोकेटेड है। इस इनर्शियल सिस्टम यूनिट ने, जो कि तिरुवनंतपुरम में लोकेटेड है, इसरो का ही एक पार्ट है, इसने इस व्योममित्र को यहां पर तैयार किया है। तो व्योममित्र के बारे में सारी बातें समझ में आ गई हैं, आर्टिकल में जो भी चीजें थी द हिंदू न्यूज पेपर में वो मैंने आपको यहां पर सब की सब समझा दी है, उम्मीद है बात क्लियर हो गई होगी। कोआलाज की बात करते हैं, कोआलाज की अगर हम लोग बात करें तो ये जो जानवर है, ये जो पशु है, वो पेड़ों पर रहता है। चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जो भीषण आग लगी थी और ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी हुई बुश फायर को, यानी कि जंगलों की भीषण आग को, ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर ने क्लाइमेट सुसाइड का नाम दिया था। उसमें बहुत सारे करोड़ों जानवरों की मौत हो चुकी है, उन्हीं जानवरों में से कोआलाज भी हैं और ये काफी चर्चा का विषय बने हुए हैं। यहां पर आपको एक इमेज नजर आएगी और कोआलाज कॉट अप इन डेडली ऑस्ट्रेलियन बुश फायर, आप यहां पर एक, ये बिल्कुल लाइव एक इमेज थी जो कि सोशल मीडिया पर शेयर भी की जा रही थी। यहां पर आप कोआला को देख सकते हैं। कोआलाज क्या होते हैं ना, बहुत स्लो होते हैं, मतलब कि वो बहुत धीमे धीमे चलते हैं, जैसे कि गेंडे होते हैं ना, अगर आप गेंडों से कहोगे कि दौड़ लगाओ तो कितना तेज दौड़ लेगा भाई, तो बहुत स्लोली स्लोली ये मूव करते हैं। तब जंगलों की जब आग लगती है, चारों तरफ से अब आग लगती है, तो क्वालाज को एकदम से भाग पाना पॉसिबल नहीं होता है, तो आग में बहुत सारे क्वालाज वहां पर मारे गए। इस तरह की इमेजेस भी आपने सोशल मीडिया पर वायरल होती हुई देखी होंगी, जहां पर क्वालाज को लोगों ने वहां पर बचाया है, उन्हें पानी भी पिलाया है। और क्वालाज को हमने ये भी देखा था कि एक व्यक्ति साइकिल से जब उस जंगल के किनारे से गुजर रहा था तो एक क्वाला उसके पास आकर उसके पैर पर चढ़ने लगा और उससे मतलब कि बोल तो सकता नहीं है, तो मदद मांग रहा था कि हमें इस भीषण आग से बचाइए। इनके शरीर पर बाल होते हैं जो कि झुलस जाते हैं, जल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वॉलंटियर्स हैं जो कि रेस्क्यू करने उनको वहाँ पर पहुंचे, उन्होंने इनको पिलाया। तो ये हिंसक जानवर नहीं है, बड़े प्यारे जानवर है, जैसे कि पांडाज होते हैं ना, चाइना में आपने पांडाज को देखा होगा, पांडाज वहां के नेशनल एनिमल भी हैं, उसी तरह से क्वालाज भी होते हैं।
अब इनके बारे में जानकारी इंपॉर्टेंट बनती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूपीएससी एसएससी बैंकिंग एग्जाम की अगर हम लोग बात करें तो यूपीएससी में इन जानवरों के बारे में एग्जाम सीधा पूछा जाएगा, क्लाइमेट के ऊपर बेस्ड है, एनवायरमेंट के ऊपर बेस्ड है, इंपॉर्टेंट बनता है। ऑस्ट्रेलिया इन द ग्रिप ऑफ अ नेशन वाइड बुशफायर इमरजेंसी विच इज सीवियरली अफेक्टेड वर्ल्ड लाइफ। अब तो खैर ये आग बुझ गई है, बारिश भी हो चुकी है, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में ये बुशफायर यानी कि जंगली आग लगी थी तो बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे जानवर और बहुत बड़ा इकोसिस्टम वहां पर बर्बाद हो गया था। एक अनुमान है, एक एस्टिमेट है कि 1.25 बिलियन नेटिव एनिमल्स हैव पेरिश्ड इन द ऑस्ट्रेलियन बुशफायर इंक्लूडिंग द क्वालाज, कंगारू, वेलाबीज एंड वॉम्बैट्स और मोर। बहुत सारे जानवर हैं, करीब 1.25 बिलियन जानवर इससे प्रभावित हुए हैं, या तो मारे गए हैं या घायल हुए हैं या एक जगह से दूसरी जगह भाग गए हैं। तो अरबों में है इनकी संख्या, इन जानवर की संख्या अरबों में है। क्वालाज की बात करते हैं, आर अमंग द फर्स्ट एनिमल्स टू पेरिश इन वाइल्ड फायर्स बिकॉज स्लो मूविंग क्रिएचर्स कांट आउटरन द फ्लेम्स। अगर हम बात करते हैं जब जंगली आग वहां पर लगी थी, जंगलों में आग लगी थी ऑस्ट्रेलिया के, तो सबसे पहले जंगली आग की चपेट में क्वालाज ही आए थे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही स्लो मूविंग क्रिएचर्स है, बहुत धीमे धीमे चलते हैं, तो जब जंगलों में आग लगी होगी तो आग लगने पे तो भागना होता है ना, भाग ही नहीं सकते, बहुत कांट रन, बहुत तेजी से दौड़ नहीं सकते, तो जंगली आग के बीच में सबसे पहले इन्हीं के मरने की खबरें वहां पर आना शुरू हो गई थी। क्वाला इज एन आर्बोरियल, आर्बोरियल का अगर मतलब हम बात करें तो ये पेड़ों पर रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? पेड़ों पर रहते हैं, याद रखिएगा। और जब ये पैदा होते हैं तो ये एक थैली जैसे, जब ये पैदा होते हैं ना तो इनका कंप्लीट बॉडी नहीं होता, इनका केवल ऊपरी धड़ होता है, पैर वगैरह डिवेलप नहीं होते, तो थैली जैसी आकृति में ये पैदा भी होते हैं, ठीक है, मार्सुपियल जिसे हम कहेंगे। अ मार्सुपियल इज बोर्न इन अ वेरी इनकम्प्लीट स्टेट, जब ये पैदा होता है तो इसके पिछला धड़ नहीं होता और बहुत ही इनकम्प्लीट स्टेज में ये पैदा होता है। दे आर मिनट हेयरलेस विद हिंड लिम्स, यानी कि जो पिछला अंग होता है वो केवल पार्शली ही फॉर्म होता है ना, पॉइंट यहां पर क्लियर है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो कल लगभग दो तिहाई, 2/3 ऑफ देम लिव इन ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया में जहां जहां भी क्वालाज पाए जाते हैं उसके लगभग दो तिहाई क्वालाज ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, और उसके अलावा अगर एक तिहाई क्वालाज की बात करते हैं तो वो साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। ओके, यहां तक सारी बातें क्लियर है, ठीक है। एक और चीज, ये ऑस्ट्रेलिया के स्थानीय जीव हैं, यानी कि ये कहीं और से नहीं आए हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के ही स्थानीय जीव हैं, हमेशा से वहीं पर रहे हैं, एंडेमिक हैं, ऑस्ट्रेलिया की ये एंडेमिक एनिमल्स हैं, याद रखिएगा। ड्यू टू द लो न्यूट्रिएंट लेवल, जो पोषक तत्व होते हैं, जो भोजन होता है, न्यूट्रिशन का लेवल होता है काफी लो होता है, बिकॉज ये यूकेलिप्टस जो पौधे होते हैं, यूकेलिप्टस के जो पेड़ होते हैं उनकी पत्तियों को ही भोजन के तौर पर ग्रहण करते हैं और इन्हीं पेड़ों पर ये लोग रहते हैं। पेड़ों की बात करें तो यूकेलिप्टस के पेड़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन पेड़ों की टहनियों पर, इनकी शाखाओं पर ये जो जंतु है वो ये रहता है और इन्हीं पेड़ों की जो पत्तियां हैं उनको ये खाता है। ओके, तो भोजन के तौर पर ये यूकेलिप्टस की जो पत्तियां होती हैं उन्हीं को खाता है और इन्हीं पेड़ों की जो टहनियां उस पर रहता है, और करीब ये दिन में 18 घंटे सोते हैं भैया, 18 घंटे, और मुझे लगता है मैं दिन में 18 घंटे काम करता हूँ, बचे हुए घंटे ही सो पाता हूँ। आप सभी के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ जाती है, करंट अफेयर्स भी बनाना पड़ जाता है, एडिटोरियल भी बनाना पड़ जाता है, फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते तो अच्छा नहीं लगता, दर्द दिल का है जो बढ़ जाता है, दर्द दिलों के कम हो जाते हैं अगर कुछ लाइक्स यहाँ पर और बढ़ जाते हैं ना, तो जल्दी से लाइक्स यहाँ पर कर दीजिएगा। तो दिन में 18 घंटे सोते हैं, काफ़ी लेजी एनिमल है, जैसे पांडा भी होता है, सोने दो, डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है, और जब भाई इमरजेंसी आती तो भाग भी नहीं पाते बेचारे, क्या करें, है ना। IUCN की बात करते हैं तो IUCN की वल्नरेबल लिस्ट में इन्हें शामिल किया गया, पूरी दुनिया में जो IUCN की लिस्ट है उसमें इन्हें वल्नरेबल कैटेगरीज में शामिल किया गया है। ओके, अति संवेदनशील और असुरक्षित कैटेगरी में इनको शामिल किया गया है। ओके, फिश विज ले आइएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इसका फुल फॉर्म बनेगा, किसका फुल फॉर्म बनेगा, IUCN का जो फुल फॉर्म बनेगा वो बनेगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और उस नेचर की इस पर्टिकुलर लिस्ट में अति संवेदनशील और असुरक्षित कैटेगरी में शामिल किया गया है। सर क्या ये जानवर धीरे धीरे कम हो जा रहे हैं, हमारी अगली पीढ़ियां क्या इनको देख पाएंगी, तो बता दूं मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में इस तरह की जो आग लग रही है अगर ऐसी घटनाएं चलती रही ना तो भाई हमारी अगली पीढ़ी इन जानवरों को नहीं देख पाएगी, तो फिर भी देख लेगी, इनको नहीं देख पाएगी, क्यों, क्योंकि इनका जो निवास स्थान है, इनका जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रक्शन या उनके हैबिटेट्स को मिटाया जा रहा है। अगर हम यूकेलिप्टस की पेड़ों की बात करें, अगर यूकेलिप्टस के अगर पेड़ों को काट दिया जाएगा, जंगल नष्ट हो जाएंगे, तो ये जानवर कहां रहेगा, जमीन में थोड़ी रहेगा, है ना।
क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तेजी से तापमान बढ़ रहा है, वेदर कंडीशन, खराब वेदर कंडीशंस इनके लिए जानलेवा साबित होती हैं, सूखा पड़ता है, टेम्परेचर जब ये बहुत बढ़ जाता है तो ये जानवर परेशान हो जाते हैं और इनकी मौत होना यहाँ पर शुरू हो जाती है। उम्मीद है अब सारी बातें क्लियर हो गई होंगी कि बुशफायर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में क्वालाज की मौत और उनके बारे में यहाँ पर डिस्कशन। इसके अलावा व्योमित्र इसरो का जो आपका ह्यूमनॉइड है, ह्यूमन प्लस रोबोट है, उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन। उम्मीद है बेहतरीन सेशन रहा होगा, सारी बातें क्लियर हो गई। एक बार क्लियर लिखकर बता दो, पसंद आ गया हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर सर को मानते हो, मैम को मानते हो, अंकित सर आपको पसंद है और मैम, तो जल्दी से सेशन को शेयर भी कर देना। जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे, मान लीजिएगा आपके सर को उतना सम्मान मिल रहा है, उतना आपके सर पसंद किए जा रहे हैं हिंदुस्तान में। आगे बढ़ते हैं, तो ये तो मैंने पेड़ों के बारे में आपको बता ही दिया है, वोकैबुलरी रिविजन की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि ये सेशन भी लाजवाब और जबरदस्त होता है यशी मैम के साथ। Thank you so much, sir. What a wonderful explanation today and what a wonderful support from all of you. आप सभी से जो support है, अभी हम students के lectures देख रहे थे and they all were saying like comments कि this session is going day by day. ये session हमारी वजह से नहीं, आप लोगों की वजह से बढ़ रहा है every day. So please इस session को support ऐसे ही करिए and do like and share the session as much as possible. Let's start with the first vocabulary revision of today and the new word. आपके सामने ये वर्ड हमने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, जब आई हैड बीन अ पार्ट ऑफ एडिटोरियल, जस्ट बीन अ पार्ट ऑफ एडिटोरियल, लैक्स। लैक्स का मतलब क्या होता है आपको बताना है, केयरलेस, फर्म, रिलायबल और मेटिक्यूलस। इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड होगा जो लैक्स का एक्चुअल मीनिंग दे रहा होगा, जल्दी से बताइए। हां जी, क्या लगता है? देखो अब समझना, फर्म का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज अगर स्टेबल होगी उसे फर्म कहा जाएगा, ठीक है। फर्म अगर कोई चीज है तो वो बहुत स्टेबल है। रिलायबल मतलब आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, आप उन पर रिलाई कर सकते हो, दैट मींस वहां पे भरोसा वर्ड आ रहा है रिलायबल में, जिस पे आप भरोसा कर सकते हो। मेटिक्यूलस, मेटिक्यूलस का मतलब भी होता है वेरी केयरफुल। अब अगर हिसाब से देखोगे तो ये तीनों वर्ड्स हमारे क्या बन जा रहे हैं, साइनो बन रहे हैं एक दूसरे के। अगर दूर के परिवार के रिश्ता की बात करेंगे तो साइनो बनेंगे, हमारा आंसर यहां पे ए हो जाएगा, विच मींस केयरलेस। इफ यू आर लैक्स, दैट मींस यू आर काइंड ऑफ केयरलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, लाविश। लाविश का एग्जैक्ट अर्थ क्या होगा, आई एम श्योर मेरा आंसर आप सब लोग दे पाओगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म लाविक्स, लाविश? मेरी क्लास का नोटिफिकेशन आज से आ जाएगा क्योंकि कल आया था, ठीक है, डोंट वरी। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द टर्म लाविश? अच्छा सुनो, वो पर्सन बहुत लाविशली स्पेंड करता है, मतलब समझना, स्केयर्स का मतलब होता है इकोनॉमिकल, इसका मतलब होता है इकोनॉमिकल, इसका मतलब आप पैसे बहुत बचा रहे हो। फ्रूगल का मतलब भी होता है इकोनॉमिकल, कंजूस, इसका मतलब भी होता है कंजूस। और अगर कंजर्व की बात करें तो कंजर्व का मतलब भी होता है आप लोगों का किसी चीज को बचा के रखना, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज को बचा के रखना। आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा एक्स्ट्रावागेंट, अगर वो पैसा बहुत लैविशली स्पेंड कर रहा है। अगर इफ आई एम स्पेंडिंग लैविशली, आई एम एक्स्ट्रावागेंट ऑल्सो। एक्स्ट्रावागेंट मतलब होता है कि बिना सोचे समझे कहीं पे भी कुछ भी खर्चा कर देना। अगला सवाल आपके सामने है लासिट्यूड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टर्म, बताइए क्या होगा। अगर हम आपसे कहते हैं लैसिट्यूड, तो लैसिट्यूड का अर्थ क्या निकलेगा, जरा जल्दी से देखो। एजिलिटी, एजिलिटी का मतलब होता है चटपट काम करना, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी काम करना। विवासिटी, विवासिटी का मतलब भी होता है तत्परता, यानी कि हड़बड़ाहट में या जल्दी जल्दी काम करना। एनिमेट, एनिमेट का मतलब क्या होगा बताओ, वॉट विल यू अंडरस्टैंड बाई द टर्म एनिमेट? एनिमेशन से रिलेटेड है, आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा सी, विच मीन्स लेथार्जिक, विच इज नॉट मूविंग, नॉट इन लाइक नॉट इन मूव टू मूव, ठीक है, मतलब मैं मूव ही नहीं करना चाहता, आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड, वेरी लेथार्जिक, लेथार्जिक बोल लो, टायर्ड बोल लो, नॉट इंटरेस्टेड टू वर्क बोल लीजिए, ये इन सब में आ जाएगा। बढ़ते हैं आज के वोकैबुलरी सेशन की तरफ। नाउ टुडेज फर्स्ट वर्ड इन योर एडिटोरियल इज कंडेम्ड। कंडेम्ड का मतलब होता है किसी को भी इस तरीके से किसी की निंदा करना, जहां पे आप उसको किसी भी तरीके का पनिशमेंट दे रहे हो। नाउ दिस वर्ड एक्चुअली एक्ट्स लाइक अन एडजेक्टिव, ठीक है, कर निंदा तो है, देखो यहां पे निंदा कहीं ना कहीं आती है, बट इट ऑल्सो मीन सेंटेंस टू अ पर्टिकुलर पनिशमेंट और डेथ, स्पेशली डेथ। अगर आप किसी को डेथ पनिशमेंट देते हो, यू आर एक्चुअली कंडेमिंग द पर्सन, आप उनकी कड़ी आलोचना या निंदा कर रहे हो, ठीक है। नाउ ही वॉज कंडेम्ड फॉर नॉट गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो आप क्या बोलोगे कि उसको कड़ी निंदा की गई था क्योंकि वो जल्दी से मॉर्निंग में नहीं उठ पाए। हां जी,
शुभम रॉय जी को मैं बताऊं कि स्टैटिक जीके कैसे करें, तो बस मैं आपको ये बताऊंगा कि आप सवेरे का 7 बजे का करंट अफेयर्स का शो करिए, उसमें आपकी करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों कवर होते चलेंगे, ठीक है? और आपके जो आंसर है, डाउट है, वो मैं उसके साथ बताता चलूंगा, बहुत देर से आंसर। हाँ शुभम डोंट वरी, ठीक है, आई होप प्रॉब्लम सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा सुनिए, मान लीजिए अगर हम अब आपसे कहते हैं कि हम आपकी कड़ी निंदा करते हैं, तो आप ये क्या कहोगे कि मैम ने मुझे कंडेम किया, लेकिन हम आपको डेथ पनिशमेंट नहीं देते। यूजुअली जब कंडेम वर्ड यूज किया जाता है तो इट मींस अ काइंड ऑफ पनिशमेंट वेयर इट इज नॉर्मली डेथ सेंटेंस। लिखा कैसे जाएगा? टेररिस्ट एक्शन हैज बीन कंडेम्ड एज एन एक्ट ऑफ बार्बरिज्म एंड कावर्डाइज। बार्बरिज्म का मतलब क्या होता है? बर्बरता, ठीक है, यानी कि अट्रोसिटी। अगर आप अट्रोसिटी वर्ड बोलते हो तब भी आप बार्बरिज्म वर्ड से इसको जोड़ सकते हो, ठीक है, अट्रोशियस। इफ अ पर्सन इज अट्रोशियस, वो पर्सन में जो है वो क्या हो जाएगा, उस पर्सन में बहुत ज्यादा दूसरों को लेकर निंदा है, या फिर मान लीजिए आप उस पर्सन को बहुत ज्यादा हेट करते हो, या फिर आप उसकी तरफ बहुत ज्यादा हॉस्टाइल हो, ठीक है। हॉस्टाइल, एट्रोसिटी, बार्बरिज्म, ये सारे वर्ड्स एक दूसरे का साइनो बन जाते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब कावर्डाइज का मतलब क्या होता है? कावर्ड अगर आप है, इसका मतलब आप में कहते हैं ना कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, आप डरपोक हैं, ठीक है, तो डरपोक को कावर्ड कहा जाता है। तो बेसिकली आई होप यू क्लियर कि टेररिज्म को स्ट्रांगली कंडेम किया गया है, क्रिटिसाइज किया गया है एज एन एक्ट ऑफ बार्बरिज्म एंड कावर्डाइज। नेक्स्ट वर्ड इज गैलोज। गैलोज क्या होता है? नूज क्या होता है? कोई बताएगा? इस स्ट्रक्चर को आप सब लोग क्या पहचानते हो? इस स्ट्रक्चर को क्या आप सभी लोग पहचानते हो? क्या हो जाएगा बताइए? दिस इज फांसी का फंदा। नो, दिस इज फांसी का फंदा, ठीक है। नूज बेसिकली, गैलोज जो वर्ड होता है, इट मीन्स अ फांसी, अ स्ट्रक्चर फॉर हैंगिंग क्रिमिनल्स और द नूज। ये वो स्ट्रक्चर होता है जिसपे क्रिमिनल्स को हैंग किया जाता है। बेसिकली अगर कोई गैलोज दिया जा रहा है किसी को, तो ये मान लिया जाता है कि उस पर्सन को फांसी पे लटकाया जा रहा है। इज द क्वेश्चन क्लियर? समझ में आया? आगे देखो। He was saved from the gallows by a last minute reprieve। मतलब कि उसको gallows यानी कि उसको फांसी से बचा लिया गया। Last moment उसने कोई mercy या clemency फाइल की होगी कि भैया प्लीज हमें बचा लीजिए, तो फिर हाँ जी, निर्भया केस में भी ये हुआ था। अच्छा हाँ, एक और चीज, निर्भया जो आप लोगों का केस है वो अब 1st February को होगा, आप सबको पता है जिनको फांसी दी जाएगी, ठीक है। चलो, सो बेसिकली हमने यहां लिख दिया कि उसे फांसी से बचा लिया गया बाय अ लास्ट मिनट रिप्राइव। आप ये लिख सकते हो कि उन्हें फांसी पे लटकाया जा रहा है, बस। दे आर बीइंग हैंग्ड इन गैलोज और दे आर बीइंग गैलोड फॉर देयर क्राइम। बेसिकली दिस इज इनफ टू मेक दिस स्टेटमेंट और वर्ड अंडरस्टूड। द नेक्स्ट वर्ड इज क्यूरेटिव। क्यूरेटिव का मतलब होता है रोग निवारक। याद रखिएगा, इफ यू आर एबल टू क्योर अ डिजीज, हीलिंग और रेमेडियल, ठीक है। अब इसको लिखा कैसे जाते हैं जरा समझना। ये वर्ड वैसे तो एडजेक्टिव और नाउन का काम करता है। क्यूरेटिव अक्सर जब भी साइंस में यूज किया जाता है तो क्यूरेटिव मेजर्स के लिए किया जाता है। अब क्यूरेटिव मेजर्स मतलब क्या है? अभी रिसेंटली हम लोग क्या पढ़े? कोरोना वायरस के बारे में। इससे पहले किसके बारे में पढ़ा था? इबोला, पोलियो। ये कुछ ऐसे हमारे पास कहते हैं ना कि फॉर्म्स हैं, एक ऐसे फॉर्म्स ऑफ इविल इन सोसाइटी में जो आए दिन कम्युनिकेबल भी हाईली ज्यादा होते हैं। खैर पोलियो तो नहीं होता, बट फिर भी ये इतने ज्यादा, बाकी जो डिजीजेस के हम नाम ले रहे हैं, इनके साथ अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड पाया जाता है, ठीक है, तब उसके लिए जो भी मेजर्स लिए जाते हैं उसे क्यूरेटिव कहा जाता है। हीलिंग, जो आपके वुंड्स को हील कर सके, जो रेमेडी दे सके आपकी किसी भी बीमारी को, उसे क्यूरेटिव कहा जाएगा। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को? कुमार, सुमन जी, प्लीज मुझे टेलीग्राम पे आप एक बार मैसेज कर देना, आई विल हेल्प यू आउट देयर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या लिखा है। हर्ब्स हैव अ लॉट ऑफ क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज एंड मस्ट बी इंक्लूडेड इन डाइट। कुलदीप, इसमें बेसिक नहीं आ सकता, दिस cannot बी अ पार्ट ऑफ बेसिक हियर, ठीक है, इसमें वर्ड को ही हम रिलेट कर सकते हैं। चलो, हर्ब्स हैव अ लॉट ऑफ क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज। हर्ब्स में यहां क्यूरेटिव का मतलब होगा हीलिंग। हर्ब्स में बहुत ज्यादा हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं और इनको हमें डाइट में इंक्लूड करना चाहिए इन सम वे। जैसे कई लोग ये भी कहते हैं कि हर रोज सुबह अगर अदरक और तुलसी की भी चाय कोई पीता है तो तुलसी में ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके सिस्टम को हील करती हैं, है ना, अंदर से। इसका मतलब क्या है? क्यूरेटिव हो सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है। द नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज क्लेमेंसी। क्लेमेंसी का मतलब अभी रिसेंटली हुआ था, जी हाँ, जब आर्टिकल पढ़ाया जा रहा था तब भी बताया था। क्लेमेंसी का मतलब होता है दया याचिका।
अगर कोई दया याचिका यानी मर्सी या लिनियंसी मांगता है कि प्लीज आप हमें दंड मत दीजिए, आजीवन कारावास मत दीजिए, हमारे 10 साल हमें छोड़ दीजिए, या हम अच्छा काम करेंगे, हम शांति से रहेंगे, ना हम बाहर जाके किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम आपसे दया याचिका कर रहे हैं, दैट इज क्लेमेंसी। क्लेमेंसी का मतलब होता है मर्सी और लीनियंसी, इज दैट क्लियर? लीनियंट होना का मतलब भी होता है कि आप फ्लेक्सिबल हैं, यू काइंड ऑफ फ्लेक्सिबल, यू नॉट वेरी स्ट्रिक्ट, यू नॉट वेरी स्टबर्न, यू नॉट वेरी एडमंट, ठीक है? अगर इसका उल्टा बनाना होगा, मतलब मान लो अगर लीनियंट वर्ड या क्लेमेंसी का एंटोनेम होता, तब आप बोल सकते थे स्ट्रिक्ट, बोल सकते थे एडमेंट, बोल सकते थे एडमेंट का मतलब भी ढीठ होता है यानी जिद्दी होता है, ठीक है? स्टबर्न बोल सकते हो, ये सारे वर्ड्स इसके फिर एंटोनेम बन जाते हैं। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। हम इसीलिए एक एक वर्ड के मीनिंग्स आप लोगों को एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं। हमने देखो कैसे इसको डिजाइन किया है। द फैमिली मेंबर्स ऑफ द अक्यूज्ड आस्क फॉर क्लेमेंसी, जो परिवार के जितने भी सदस्य थे उस पर्सन के, अक्यूज्ड कौन होता है, वो पर्सन जिसने क्राइम किया होता है, एक ऐसा इंसान जिसने क्राइम किया होता है, हैड वाज आस्क्ड फॉर क्लेमेंसी, उनके परिवार ने कहा कि भैया मेरे बेटे से गलती हो गई, प्लीज इन्हें माफ कर दो, समझ आया? सो दैट इज आस्किंग फॉर क्लेमेंसी। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर अगेन टू एवरीवन। नेक्स्ट वर्ड आपका है एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट का मतलब होता है शीघ्र, यानी कि जल्दी। अगर किसी चीज को, ठीक है, एक्सपेडिशन पे जाते हो तो मतलब यू हैव स्टार्टेड अ जर्नी। इसको एक्सपेडिशन से याद रखना आसान है, जरा सब लोग ध्यान से देखो, एक्सपेडिशन का मतलब क्या होता है, टू स्टार्ट अ जर्नी, टू स्टार्ट अ जर्नी। और एक्सपेडिशन कहीं भी हो सकता है, हिल्स में हो सकता है, सबर्ब्स में हो सकता है, अगर आप जंगली जानवरों को देखने चाहे तो वहां पे हो सकता है। बेसिकली आप एक जगह से दूसरी जगह की तरफ आगे बढ़े, आप ऐसे ही याद रख लेना, एक्सपेडिशन का मतलब होता है किसी चीज को शीघ्र, टू मेक अ प्रोसेस फास्टर, स्पीड अप और एक्सेलरेट। एक्सेलरेशन क्या करते हो, एक्सेलरेट कब करते हो अपनी गाड़ी में, जब आप उसको तेज से बढ़ाना चाहते हो। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है, पक्का? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे देखो लिखा कैसे हमने, द गवर्नमेंट हैज प्रॉमिस, जो सरकार है उसने प्रॉमिस किया हुआ है, टू एक्सपेडाइट स्टेट रिफॉर्म्स टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। नाउ फटाफट से कमेंट सेक्शन एक्टिव हो। कंडेम का मतलब स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज करना, किसी को पनिश करना, मोस्टली डेथ। गैलोज फांसी, क्यूरेटिव हीलिंग या फिर रेमेडी। क्लेमेंसी मर्सी यानी माफी यानी दया याचिका। एक्सपेडाइट मतलब कि शीघ्र करना, गति को बढ़ाना, फास्टर, एक्सेलरेट। आई होप दीज क्वेश्चन आर क्लियर सो फार। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हैसन बोल सकते हैं, बिल्कुल। एक ताशिन ने कहा है कि मैम हैसन कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, एक्सपेडिशियस इज एन एडजेक्टिव, वेरी नाइस हरजी, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट वर्ड कर्ब। कर्ब इन्फ्लेशन को करना है, कर्ब इकोनॉमिक स्लोडाउन को करना है, कर्ब हमें बढ़ते हुए ऑयल प्राइजेस को करना है, कर्ब हमें अनियन प्राइजेस के हाइक को करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, इन सारी जगहों पे हम उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आपके अनियन के प्राइजेस हों, ऑयल के प्राइजेस हों, स्टॉक मार्केट हो, बेसिकली अगर हम गोल्ड की प्राइजेस की बात करें, डायमंड्स की प्राइजेस की बात करें, इन सारे ही वो ऐसे मुद्दे हैं जिनको हमें नियंत्रित करने की आवश्यकता है। इसका मतलब टू चेक और रेस्ट्रेन ऑन समथिंग, किसी चीज को कोशिश करना नियंत्रण में लाने की, रोकने की, है ना, संभालने की। याद करिए लिखा होगा, अ चेक और रेस्ट्रेन ऑन समथिंग और टू होल्ड बैक समथिंग, इज दैट क्लियर? कर्ब मीन्स अ चेक, यस अंजलि बोल सकते हो आप, ठीक है। लिखा कैसे जाएगा, शी प्रॉमिस्ड दैट शी वुड कर्ब हर टेम्पर। आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो शॉर्ट टेम्पर होंगे, जिन्हें गुस्सा भी आता होगा, है ना, तो क्या लिखा है, शी प्रॉमिस दैट शी वुड कर्ब हर टेम्पर। उसने प्रॉमिस किया है कि वो अपने टेम्पर को नियंत्रित रखने की कोशिश करेगी, वो किसी को तोड़ेगी फोड़ेगी नहीं, है ना, रेस्ट्रेन गार्गी बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। चलो, अनइक्विवोकल, अब देखो इसका मतलब होता है क्लियर, हिंदी में हमने लिख दिया है स्पष्ट, कोई चीज अगर बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर, जैसे आप बोलते हो, लिविंग नो डाउट, अनएम्बिगुअस, अगर एम्बिगुअस होता तो क्या बोलते, बताओ, अब तो एम्बिगुअस वर्ड को इतनी बार हटा दिया है कि आप लोग कभी भूल नहीं सकते। एम्बिगुअस का मतलब होता है डाउटफुल, है ना, इसका मतलब क्या निकल के आ जाएगा, डाउटफुल। अब अगर अनएम्बिगुअस है, इसका मतलब इट इज वेरी क्लियर, इट इज अनएम्बिगुअस, राइट, स्पष्ट। लिखा कैसे जाता है, जरा ये भी देखो, द चर्च हैज बीन अनइक्विवोकल unequivocal in its condemnation of violence. जो चर्च है वो बहुत स्पष्ट कह दिया है, हमें वायलेंस से कोई लेना देना नहीं है, we are unequivocal in the condemnation of violence. I hope this question is clear.
मशीन कैन कर्ब ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. कैन कर्ब मतलब क्या कर सकता है, वो नियंत्रित करेगा बॉडी के पार्ट्स को. किसके, अगर आप इसकी बात कर रहे हो उस रोबोट की जिसके बारे में सर ने अभी पढ़ाया, तो बोल सकते हो, हाँ बिल्कुल बोल सकते हो. ठीक है, चलो. क्वारंटाइन, क्वारंटाइनिंग वर्ड जो है वो आज के न्यूज़पेपर में है. जो आज का न्यूज़पेपर है उसमें जो शब्द है वो है क्वारंटाइनिंग. अब हम आपको बताते हैं क्वारंटाइन क्या होता है, वेरी इंटरेस्टिंग. देखो, जब इबोला वायरस आया था तो सर ने आपको एक आर्टिकल पढ़ाया था जहां लिखा था कि इबोला वायरस को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, अगर अगर इनसे इन्फेक्टेड जितने भी लोग हैं या जितने भी व्यक्ति हैं, अगर हम इनको अलग धलग कर दें, इनको हम पूरे समाज से थोड़ा सा डिफरेंट बना दें, पूरे समाज से अलग कर दें, तो हम इनको क्या करेंगे, हम इनका, हम इबोला वायरस के स्प्रेड को रोक सकते हैं. और जिस भी गांव में कस्बे में ये हुआ है उसमें हम क्या करेंगे, हम सीधे सीधे सभी को वैक्सीनेट कर देंगे ताकि अगर एक पर्सन इन्फेक्टेड है बाकी बच जाए. यही बोला था ना, यही था क्वारंटाइन. उस टर्म को कहा जाता है जहां पे उस पर्सन या उस एनिमल को आप अलग रखते हो, यानी संग से अलग. इसीलिए इसको कहा जाता है संगरोध. ठीक है, संगरोधक यानी कि संगरोध, आपको जो सोसाइटी है उससे दूर कर दिया जाएगा. ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या होगा, क्या ये इसमें सिर्फ ह्यूमंस आते हैं? नो, इसमें एनिमल्स भी आते हैं. कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर माउस यानी कि माइस, ठीक है, चूहे, छोटी छोटी चूहिया जो होती है, या फिर अगर आप बात करो हॉर्सेस की, डॉग्स की, ठीक है, कैट्स की, इनमें कई बार ऐसे इन्फेक्शियस डिजीजेस पाए जाते हैं जिसकी वजह से साइंटिस्ट या फिर गांव वाले क्या करते हैं, या डॉग्स के साथ तो बहुत बुरा होता है, उनको तो पकड़ते गले के साथ और फेंक देते हैं कहीं पे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उनका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते बहुत सारे लोग. तो क्या होता है ना, क्वारंटाइन एक्चुअली एक ऐसा जगह होता है जहां पे एनिमल्स या फिर लोगों को रखा जाता है व्हेन दे आर इन्फेक्टेड विद अ डिजीज, जब उनको किसी डिजीज से इन्फेक्टेड पाया जाता है. अगर आप लोगों को यहां तक सब कुछ क्लियर होता चल रहा है तो प्लीज इस सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करेगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया. द हॉर्स हैड टू स्पेंड सेवरल मंथ्स इन क्वारंटाइन व्हेन इट रीच्ड ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन जाने से पहले उस हॉर्स को कई महीनों तक क्वारंटाइन में रखा गया जहां उसका इलाज किया जा सके. ठीक है, सिंगल रख देना, हाँ प्रभु दयाल में एक बात में बोले तो सिंगल रख देना, हाँ बोल सकती हो. नॉन लिविंग भी आ सकता है क्या मैम इसमें? नहीं नहीं भावना, नॉन लिविंग कैसे आएगा, नॉन लिविंग के ऊपर किसी तरीके का डिजीज का इन्फेक्शन ही नहीं होगा ना, वो नहीं आएगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वर्ड, यस, वुहान पैसेंजर से हमें क्वारंटाइन रहना है, सुनील ने लिखा है, हाँ बोल सकते हो सुनील. आइसोलेट करना, बिल्कुल बोल सकते हैं. ठीक है, अब देखो यहां पर हमने क्या लिखा है. नेक्स्ट आपका जो सेक्शन है वो idioms एंड phrases है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन अगर इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो. विद इन एन एस ऑफ समथिंग, अगर किसी चीज के एस में आप हो, दैट मीन्स यू आर वेरी क्लोज टू समथिंग, यू आर वेरी क्लोज टू योर ड्रीम जॉब, यू आर वेरी क्लोज टू योर ड्रीम हाउस, यू आर वेरी क्लोज टू योर ड्रीम कार, योर ड्रीम रॉयल एनफील्ड, है ना. तो विद इन एस ऑफ का मतलब होता है क्लोज टू समथिंग. आगे बढ़ते हैं, विद अ हाई हैंड, विद अ हाई हैंड मतलब होगा ऑप्रेसिवली, मतलब अगर हम किसी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं या डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, उसे हम कहेंगे विद अ हाई हैंड शी ट्राइड टू ऑप्रेस द वॉइसेस, मतलब उसने ऑप्रेसिवली, उसने डोमिनेंस से आवाजें बंद करने की कोशिश करी. क्वेश्चन क्लियर है सभी को? अगला सवाल ये रहा, वी आर्स एट डॉन, हम सुबह कितने बजे उठते हैं, वी गेट अप अर्ली इन द वी आर्स. कल अंकित सर के साथ तो फनी हुआ, कल हम रात को जब सो रहे थे तब आपका आर्टिकल आया हमारे टेलीग्राम पर, और जब हम उठे सुबह तो देखे कि इनका कैल आ चुका था. सो बेसिकली ये होता क्या है, वी गेट अप इन द मॉर्निंग एट वी आर्स, वी स्लीप ऑल्सो, कई बार तो भोर में सोते सोते हो जाता है. अंकित सर कई बार ये रोते हैं, यार मैं कल रात 3 बजे सोया हूं. तो ये होता है, ये मेरे साथ होता है जब हम एडिटोरियल बनाने उठते हैं सुबह 4 बजे हर रोज. आई गेट अप एट वी आर्स, मतलब द एट डॉन, अर्ली अर्ली, जब पॉप फटता है ना, जब सूरज सिर्फ लाइन दिखा रही होती है, ठंड में तो वो भी नहीं दिखती, दैट इज वी आर्स. समझ में आया? नेक्स्ट देखो, वियर द ट्राउजर्स, मतलब यू आर वेरी डोमिनेंट, आप उसके उसको फील कर रहे हैं, ठीक है, आपको ऑफिसर वाली फीलिंग आ रही है, आई एम इन माई ट्राउजर्स, मतलब आई एम फीलिंग वेरी डोमिनेंट, है ना, समझ में आया. चलो नेक्स्ट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को लिखा कैसे जाता है जरा देखते हैं. पोर्टेबल मतलब पीने के योग्य, कोई चीज अगर पोर्टेबल है, ठीक है, पोर्टेबल मतलब ये इट इज गुड टू ड्रिंक, ठीक है, इट इज गुड टू ड्रिंक. अगर हम कहते हैं पोर्टेबल, पी ओ आर टेबल, ठीक है, देखो पोर्टेबल एंड पोर्टेबल दोनों को सिर्फ हमने इसलिए रखा है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हुए, ठीक है.
that can be carried in hand. If this is portable, matlab I can carry my phone from one place to another, that is portable. I can carry Ankit sir from one place to another, so Ankit sir is also portable. But portable, PO bola, to bola fit to drink. I hope aap sabhi ko yahan tak sab kuch bilkul clear ho gaya hoga. Theek hai, session agar pasand aaya, kaisa laga hamare saath judna, jo first timers hain, please likhega that this is your first class. Industrious, थैंक यू सो मच. मयंक कुमार ने लिखा है मैम यू आर इंडस्ट्रियस, आपके लिए लाइक तो बनता है. इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है, अब ज़्यादा जल्दी से हमारे कमेंट सेक्शन में सब लोग लिख के बताइए. इंडस्ट्रियस का मतलब होता है पर्सन इज हार्ड वर्किंग. समझ में आया सभी को, क्लियर है? हाँ हाँ, आप लोग सब लोग भी इंडस्ट्रियस है, हार्ड वर्किंग. हम देख रहे तब से सब लिख रहे हैं मैम हम तो 3 बजे सोए 4 बजे सोए. ठीक है, चलिए टेक्निकल टीम प्लीज मैनेज इट. अब बता देते हैं आप लोगों को आप हमारे साथ और कहां कहां जुड़ सकते हो. आप जुड़ सकते हो हमारे साथ SBI क्लर्क की प्रिपरेशन बैच में. और जो भी स्टूडेंट्स SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं 2020, आपके पास सिर्फ एक महीना है. हम आपके लिए 5 फरवरी से एक कोर्स ला रहे हैं जिसकी कीमत सिर्फ 250 रुपए है, ओनली 250 रुपीज, जिसमें हम पूरे 11 सेट क्वेश्चन आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे. और आपको बता देते ये लाइव क्लास होगा जिसमें आप हमसे बातें भी कर सकते हो. ये एक तरीके का लाइव क्लास होगा जिसमें आप हमें कॉल करके आप व्हाट्सएप के थ्रू हमसे आप बात कर सकते हो और अपनी डाउट्स बता सकते हो. ठीक है, यस, SBI क्लर्क प्री प्रिपरेशन बैच 999, वाइल द बैच ऑफ योर्स जो कि इससे जुड़ा हुआ है यानी कि आपके SSC CGL से, वो सिर्फ 250 रुपीज की है, 1 रुपए उसमें भी कम है, 249. तो अगर आप चाहें तो आप उस बैच का हिस्सा बन सकते हैं. 5 फरवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ 10 से 12 दिन का बैच है. प्लीज आओ वहां पर और आप लोग वहां पे जरूर कुछ सीखो. हाय प्रभु प्रियदर्शी, इफ यू आर फर्स्ट वेलकम टू द फैमिली. ठीक है, okay. नीतीश कुमार हेलो, लेट्स स्टार्ट. ओके दोस्तों मेरे साथियों, तो बहुत ही बेहतरीन ये वोकैबुलरी सेक्शन रहा है. अब जल्दी से द हिंदू न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को यहाँ पर ओवरव्यू देखेंगे और उसके बाद आर्टिकल ऑफ द डे को डिस्कस करेंगे जो कि निर्भया केस के ऊपर अब बेस्ड है. तो आज का पहला आर्टिकल आप सभी के सामने ये रहा, मैम और हमें फेस टू फेस लाइएगा टेक्निकल टीम. Needless impatience. Nothing will be lost if death row convicts are allowed to exhaust all remedies. कहा जा रहा है कुछ भी लूज नहीं किया जाएगा, needless impatience होगा. If death row convicts are allowed, अगर death row के जो convicts हैं, अगर उनको हर तरह की remedy, यानी mercy दे दी गई. अब बिल्कुल सही कहा, ये आर्टिकल ऑफ द डे होगा. क्या चीजें हैं इसमें, और ये भी कहा गया है कि फांसी की सजा सुनाने के बाद और तारीख आ जाने के बाद दया याचिका डालने के लिए, मर्सी पिटीशन फाइल करने के लिए, क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करने के लिए, रिव्यू पिटीशन फाइल करने के लिए टाइम को यहाँ पर सरकार घटाने की प्रयास कर रही है ताकि फांसी देने में जो डिले होता है उसको लेकर यह आर्टिकल इंपॉर्टेंट है. आर्टिकल ऑफ द डे होगा. नेक्स्ट आर्टिकल, बजटिंग फॉर जॉब्स स्किलिंग एंड इकोनॉमिक रिवाइवल. इसको पढ़ना जरूर, बहुत अच्छा आर्टिकल है. प्राइवेट सेक्टर के रिस्क के बारे में दिखाया है. द बजट नीड्स टू प्रोवाइड डायरेक्शन टू इंडियाज टॉटरिंग इकोनॉमी, मतलब लड़खड़ाती इकोनॉमी, एंड टू बूस्ट टू एग्रीगेट डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इसको पढ़ना जरूर, आपको हमारी बढ़ती घटती इकोनॉमी मेजर्स इन सब के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन. बिकॉज अगर हम बात करें 1 फरवरी को आपका बजट आने वाला है, तो जॉब्स को लेकर, स्किल को लेकर, इकोनॉमिक इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर या समस्याओं को लेकर क्या अनाउंसमेंट हो सकता है उसको लेकर यह आर्टिकल एक संभावना के तौर पर. इस आर्टिकल को एक बार जरूर रीड कीजिएगा, जब बजट आएगा तो बेहतर तरीके से आप बजट को समझ पाएंगे. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट देखो आप लोगों को क्या लिखा, अनप्रेसिडेंटेड स्टेप. ऐसा मतलब अनप्रेसिडेंटेड आप लोगों को पढ़ाया है, एक ऐसा स्टेप जो इससे पहले कभी नहीं लिया गया हो. तो अनप्रेसिडेंटेड स्टेप किस बारे में है, चलो देखते हैं. मुझे देखो बाल कटवाने तक का टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि इस समय मैं काफी बिजी हूँ, लेकिन आपके कहने पर मैं संडे को करा लूंगा. हद कर दी भाई आप लोगों ने, हद कर दी. शट डाउन कैन लिमिट द स्प्रेड. कंप्लीट करिए आर्टिकल. शट डाउन कैन लिमिट ऑफ द स्प्रेड ऑफ द कोरोना वायरस आउटसाइड अफेक्टेड सिटीज नॉट विद इन. बिल्कुल, कोरोना वायरस को लेकर जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि वुहान जो शहर है मैम, 11 मिलियन के आसपास लोग वहां पर रहते हैं. मैं बात कर रहा हूं वुहान सिटी की. वुहान सिटी ही वो शहर है जहां से जो आपका कोरोना वायरस है धीरे धीरे फैलना शुरू हुआ था. मैं कल आपको डिटेल में बता चुका हूं. तो वो जो वुहान शहर है वहां के लोगों को लॉक कर दिया गया है. वुहान शहर के 11 मिलियन लोग अब देश से बाहर नहीं जा सकते, शहर से बाहर नहीं जा सकते. और शहर से बाहर जाने के लिए उनको पहले पूरी स्क्रीनिंग, पूरे टेस्ट कराने होंगे, हेल्थ टेस्ट कराने होंगे, उसके बाद ही वो शहर के बाहर जा पाएंगे. तो ये आर्टिकल अपडेट नहीं है क्योंकि मैं कल ही डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं. नेक्स्ट आर्टिकल प्लीज. चलिए, एज इंडिया प्रिपेयर्स टू ऑनर बोल्सोनारो,
Modi can justify his invitation to the controversial Brazilian president by focusing on intra-BRICS partnership and trade. अगर इस आर्टिकल में बात करूं तो पहले यहां पर controversial Brazilian president इनको इसलिए कहा गया है कि जब Amazon के जंगलों में आग लगी थी तो इनके द्वारा बहुत ऐसे प्रयास नहीं किए गए ताकि Amazon के जंगलों की आग को वहां पर बुझाया जा सके. उस समय इनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया था और इनको इन्वाइट किया गया 26 जनवरी को जो आपका रिपब्लिक डे है उसमें इनको इन्वाइट किया गया है. तो थोड़ा सा हम इनको ग्लोरीफाई करने की बात कर रहे हैं, ऑनर इतना ज्यादा उनको दे रहे हैं क्योंकि आने वाले ब्रिक्स कंट्रीज के अगर हम लोग बात करते हैं ब्राजील, रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इंडिया भी इसमें शामिल है जो ब्रिक्स कंट्रीज का ग्रुप है, तो उसमें पार्टनरशिप ट्रेड को बढ़ाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं. उसी के तहत 26 जनवरी को ये गणतंत्र दिवस के जो चीफ गेस्ट होंगे वो शामिल हो रहे हैं राष्ट्रपति ब्राजील के. आगे बढ़ते हैं और सीधा बात करते हैं आज के कार्टून सेक्शन में. और आज के कार्टून सेक्शन में एक दरख्त है, दरख्त का मतलब होता है पेड़ जो होता है जिस पर पत्तियां वगैरह नहीं रहती, और यहां पर एक पक्षी है जिनका नाम है अमित शाह जी और वो CAA के जो अंडे हैं वो बचाने का प्रयास कर रहे हैं. लेकिन चारों तरफ आप देख सकते हैं कि शिकारी पक्षी मौजूद हैं, यानी कि ये विरोध प्रदर्शनों की यहां पर बात की जा रही है. वो सभी के सभी प्रोटेस्ट जो सीए के विरोध में हो रहे हैं कि सीओ को हम सीएए को हम लागू नहीं होने देंगे. अमित शाह जी का कहना है आप चाहे जितना विरोध कर लीजिए सीएए लागू होकर रहेगा. तो बचाते हुए नजर आ रहे हैं अपने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को या अपने इस पर्टिकुलर एक्ट को. आगे बढ़ते हैं, सीधा मूव करेंगे निर्भया केस को लेकर. ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि पेशेंस नहीं है इस मामले को लेकर, जितना पेशेंस होना चाहिए वो पेशेंस इस मामले में नहीं दिखाया जा रहा है. तो इस आर्टिकल में क्या चीज है समझ लेते हैं. सेंट्रल एप्लीकेशन इन द सुप्रीम कोर्ट फॉर एडिशनल गाइडलाइंस रिगार्डिंग फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द कंडेम प्रिजनर्स बिट्रेज अ नीडलेस इम्पेशेंस. जो आतुरता है ना, मतलब किसी चीज में लगता है कि यार अभी हो जाए अभी हो जाए, कल ही फांसी पर टांग दे, तो बिल्कुल पेशेंस ही नहीं है. टू हैंग दी फोर कन्विक्ट्स फेसिंग दी गैलोज फॉर दी रेप एंड मर्डर ऑफ दी निर्भया 2020. अगर हम बात करें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने यहां पर ये कहा है कि कुछ गाइडलाइन सरकार बनाने की बात कर रही है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी ये कहा है कि फांसी का फंदा मेरे ऊपर आ रहा है, तो अच्छा नहीं लग रहा है. टेक्निकली थोड़ा देख लो यार, मतलब फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है, हटाओ थोड़ा इसको. हाँ, मुझे इसमें हाइड ही कर दो, वो बेटर है. तो रेप और मर्डर के मामले में जो चार आपके दोषी हैं, आरोपी हैं, उनको अगर आप देखेंगे कि तो पहले 21 जनवरी ही वो तारीख थी जब उनको फांसी दी जानी थी, लेकिन 21 जनवरी से अब ये तारीख बढ़कर हो चुकी है 1 फरवरी. और निर्भया की माता जी ने भी इस बात का यहां पर उठाया है, इस बात को लेकर कि फिर वही कॉन्सेप्ट शुरू हो गया तारीख पे तारीख, क्योंकि इन कन्विक्स के द्वारा, इन दोषियों के द्वारा, इन अपराधियों के द्वारा यहां पर जो याचिकाएं हैं, पिटीशन हैं, वो फाइल की गई हैं फेस टू फेस. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात करते हैं. गृह मंत्रालय ने यह कहा है एसेंशियली जरूरी है सीक्स टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ मेजर्स एम्ड एट रिड्यूसिंग द स्कोप फॉर डेथ रो कन्विक्स टू अडॉप्ट डायलेटरी विलंबकारी टैक्टिक्स. बात यहां पर है डायलेटरी टैक्टिक्स का मतलब है कि जब किसी व्यक्ति को यहां पर डेथ पेनाल्टी दी जाती है या उसकी फांसी होने वाली होती है तो वो कुछ ऐसी टैक्टिक्स को अपनाता है जिससे उसकी फांसी में डिले होता है या उसकी फांसी की तारीखें आगे बढ़ जाती हैं. जैसे कि हम यहां पर देखें, कन्विक्स के द्वारा रिव्यू पिटीशन तभी फाइल किया गया जब 10 दिन या 15 दिन बाकी थे आपके फांसी मिलने में. दया याचिका भी तभी डाली गई जब फांसी मिलने की बात हो रही थी और 1 महीना बाकी था, तो दया याचिका डाल दी, वो एक अलग बात है कि वो कैंसिल हो गई. क्यूरेटिव पिटीशन क्या होती है, यह भी मैंने आपको बताया था कि पूरे फैसले को रिव्यू ना करना. रिव्यू पिटीशन में होता है कि पुनर्विचार याचिका की सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए फैसले को पुनर्विचार करे, लेकिन क्यूरेटिव पिटीशन में होता है कि पूरे फैसले पर पुनर्विचार ना करे, कुछ मुद्दे पर कुछ जो डिसीजन है या पार्ट ऑफ द डिसीजन है या फैसले का कुछ अंश है उसको वहां पर रिव्यू कर ले, है ना, इन सच अ वे दैट देयर एग्जीक्यूशन इज इनडेफिनेटली डिलेड. और इससे होता क्या है कि उनका जो एग्जीक्यूशन है, फांसी पर टांगने का जो प्रावधान है ना उनका, वो क्या हो जाए, डिले हो जाए. तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि फ्लॉज हैं, एक तरह से दरारें हैं भारत के लॉ सिस्टम में, जिसका फायदा उन लोगों को मिल जाता है जो अक्यूज हैं और जो इनको फांसी दी जाती है. तो 2014 के केस में भी, जो शत्रुघ्न चौहान जी का केस है, उसमें भी इस तरह की बातें, गाइडलाइंस बनाने की बात कही गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन अभी तक नहीं बना. एक और इंपॉर्टेंट चीज, 14-day time lag between the closure of the clemency route and their hanging is aimed at preventing a secret executions. बात यहां पर की गई है कि 14 दिन का टाइम फ्रेम यहां पर कर देना चाहिए. अभी अगर हम लोग बात करते हैं तो 30 दिन का समय मिलता है फैसला सुनाने के बाद, करीब 30 दिन का समय मिलता है कि अगर आपको कोई भी पिटीशन, कोई भी याचिका डालनी है तो आप डाल सकते हैं. इसको घटाकर 14 days यानी कि 2 हफ्ते करने की बात की गई, और केंद्र सरकार तो यहां तक कह रही है कि 7 दिन से ज्यादा का समय नहीं देना है हमें, क्योंकि इसका फायदा उठाते हैं कई बार. द कोर्ट इज concerned about the right of the convicts family members
टू बी इन्फॉर्म एज वेल एज द टाइम नीडेड टू द प्रिजनर्स फॉर सेटलिंग देयर अफेयर्स एंड प्रिपेयरिंग देमसेल्फ मेंटली। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि देखो आप सही कह रहे हैं कि 30 दिन से घटाकर 14 दिन कर देना चाहिए, लेकिन जो कन्विक्ट्स है, जो अपराधी है, उसके कुछ अपने अधिकार भी होते हैं। मरने से पहले उसके कुछ अधिकार होते हैं कि उनके परिवार के लोगों को उनके बारे में सूचित कर दिया जाए कि इसको हम इस तारीख को फांसी दे रहे हैं, तो आप लोग जो मिलना है या अंतिम बार जो देखना है वो देख लीजिएगा। अगर एक अपराधी के मामले में सोचे, एक इंसान के तौर पर अगर हम लोग देखें, इसके अलावा जो कैदी होते हैं उनको भी अपने कुछ मामले होते हैं मरने से पहले, फांसी पर टंगने से पहले कुछ मामले अपने निपटाने होते हैं, पारिवारिक भी हो सकते हैं और दूसरे मामले भी हो सकते हैं, आर्थिक मामले भी हो सकते हैं, और इसके अलावा मेंटली भी उसको प्रिपेयर होना होता है, यानी कि मानसिक तौर पर उसे पता होता है कि 30 दिन का समय है, तो थोड़ा सा वो मेंटली प्रिपेयर भी हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें जो ध्यान में रखना चाहिए जो कि राइट्स हैं कन्विक्ट्स के। इट इज स्ट्रेंज दैट गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू द सुप्रीम कोर्ट टू फ्रेम अ रूल इम्पोजिंग अ 7-day लिमिट ऑन द टाइम दैट कन्विक्ट्स हैव टू फाइल अ मर्सी पिटीशन आफ्टर अ डेथ वारंट इशू। यानी कि डेथ वारंट इशू हो जाने के बाद केंद्र सरकार तो चाहती है कि 7 दिन से ज्यादा का समय दिया जाए, 7 दिन से ज्यादा का समय ना दिया जाए डेथ वारंट को इशू करने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि सरकार तो और ज्यादा आतुर हो रही है, सरकार तो और ज्यादा इंपेशेंस दिखा रही है, सरकार को बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। फिक्स्ड व्यूज ले आइएगा यशी मैम को भी यहां पर। तो यहां पर मैंने सारी बातें बता दी कि दया याचिका, पुनर्विचार याचिका और क्यूरेटिव पिटीशन, इनका इस्तेमाल कई बार फांसी पर टंगने वाला कैदी कई बार अपनी फांसी की जो प्रोसेस है उसको डिले करने के लिए इस्तेमाल करता है। केंद्र सरकार घटाकर 30 दिन से घटाकर 14 दिन, और सरकार तो चाहती है कि डेथ वारंट इश्यू होने का 7 दिन से ज्यादा का समय ना दिया जाए किसी भी याचिका को फाइल करने के लिए, समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, कुछ समय तो दिया जाना चाहिए क्योंकि वो मेंटली तौर पर प्रिपेयर हो जाए, फैमिली मेंबर्स एंड देन ऑल बी जो उनके जो समस्याएं हैं समाधान है वो उनको कर सके, क्योंकि फांसी पर होने के बाद तो उसका जीवन ही खत्म हो जाएगा। उम्मीद है आर्टिकल क्लियर रहा होगा, मुद्दा मैंने पूरा यहां पर समझा दिया, एक बार इसलिए कर बता दीजिएगा कि हां सर आर्टिकल क्लियर हो गया, निर्भया मामले को लेकर आर्टिकल है। बिल्कुल सही कहा, क्रिटिसाइजिंग इज द टोन ऑफ द आर्टिकल, वैसे इंट्रोस्पेक्टिव भी हो सकता था, ठीक है, लेकिन क्रिटिसाइजिंग इसलिए क्योंकि जो पैराग्राफ लास्ट में खत्म हो रहा है वो बिल्कुल कंप्लेनिंग ही टोन दे रहा है। बाकी आप लोगों को बता देते हैं, कल आप लोगों के साथ हम फिर जुड़ेंगे 8 बजे एडिटोरियल के लिए, लेकिन आज आप लोगों के साथ 10:30 बजे यानी कि 10:30 की क्लास में जो ठीक 1.5 घंटे बाद होगी उसमें हम आप लोगों के साथ लेकर क्या आ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, रीअरेंजमेंट। तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट अगर कोई भी करना चाहता है तो वो हमारे साथ जुड़ सकता है। 9 बजे की जो क्लास है वो मैथ्स एसएससी सीजीएल की है, यानी प्रबल सर की क्लास है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को सेशन हमारा पसंद आया तो कल भी इसी तरीके से अपना सपोर्ट दीजिएगा। भूमि आई एम नॉट सैड, आई एम वेरी ओके, बट ये आर्टिकल पढ़ते वक्त हम शायद हमेशा मेरा रिएक्शन ऐसा ही होता है, इट्स ओके, ठीक है। प्रबल सर की क्लास में ज़रूर छोड़िए, उनका भी साथ दीजिएगा मेंसुरेशन के साथ, एंड टुडे इज द 3rd क्लास ऑफ मेंसुरेशन, राइट सर? सो बेसिकली यस, वी विल बी जॉइनिंग हिज क्लास। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, हैव अ वेरी गुड डे, थैंक यू। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।